आज मैं आपसे हार्ट अटैक यानी दिल के दौरे के कारण, बचाव और इलाज के बारे में बात करूंगा। हार्ट अटैक यानी दिल के दौरे का मतलब होता है कि हार्ट की नसों का रुक जाना, जो हार्ट को खून सप्लाई करती हैं उन नसों को रुक जाना। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है। लगभग 15 मिलियन पीपल सफ़र करते हैं हार्ट अटैक से एवरी ईयर्स, और ऑलमोस्ट 7 to 8 lakh डेथ होती हैं हर साल। हार्ट अटैक से होने वाली डेथ, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डेथ इनिशियली एक घंटे के अंदर ही हो जाती हैं, बाकी 50% की डेथ इन हॉस्पिटल डेथ होती हैं। सो हार्ट अटैक में टाइम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। टाइम से इलाज होना ही हार्ट अटैक में प्रिवेंशन का एकमात्र इलाज है। अगर हम हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें तो शुगर, बीपी, दिमागी टेंशन, स्ट्रेस, डिसलिपिडीमिया, मोटापा, ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं हार्ट अटैक के लिए। इन सब अगर हम हार्ट अटैक के पेशेंट, हार्ट अटैक का जो पेशेंट होता है उसके सिम्टम्स की बात करें तो छाती में दर्द होना, सीने में जकड़न होना, कई बार गले में दर्द होना या साथ में बाजू में दर्द होना, बहुत सारा पसीना आना, बीपी कम हो जाना और कई बार सडन डेथ भी होती है, ये सारे सिम्टम हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं। इन सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम हो तो हमें सबसे पहले नज़दीक के हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। अब हम डायग्नोसिस की बात करें तो हार्ट अटैक के सिम्टम होने के बाद जो डायग्नोसिस होता है ECG मेन होता है। ECG के बेस पे हम हार्ट अटैक के पेशेंट का डायग्नोसिस कर सकते हैं। ECG में कुछ चेंजेस होते हैं, उसके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस पेशेंट को अभी एक्टिव हार्ट अटैक है और सीरियस वाला हार्ट अटैक है। उसके साथ साथ हम कार्डिक एंजाइम के टेस्ट भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम इको का टेस्ट भी कर सकते हैं, जिससे हमें हार्ट के फंक्शन का पता लग सकता है, उसकी वाल में कोई लीकेज है या हार्ट का फंक्शन कितना है या उसके बाहर कोई पानी तो नहीं भरा हुआ है, ये सब चीज़ें हमें इको से मालूम चल सकती हैं। जैसे ही हार्ट अटैक का डायग्नोसिस कंफर्म हो तो डॉक्टर तुरंत इलाज करता है। इलाज 5 से 10 मिनट के अंदर ही स्टार्ट होना चाहिए, जिसमें खून पतला करने की दवाइयाँ तुरंत देनी दी जानी चाहिए। अब हार्ट अटैक का पेशेंट जहाँ पहुँचता है वो दो तरह के सेंटर होते हैं, एक तो पेरिफेरी सेंटर है, एक सेंट्रल सेंटर है। पेरिफेरी सेंटर में ECG, एक्सरे, इस तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं, तो इनिशियल ट्रीटमेंट दे के पेशेंट को रेफ़र करना चाहिए जहाँ पे उसका आगे इलाज हो सके, जहाँ पे ICU की फैसिलिटी हो या कार्डिक कैथ लैब में एंजियोग्राफी की फैसिलिटी हो। अगर पेशेंट 30 मिनट के अंदर अंदर हॉस्पिटल पहुँचता है तो 30 मिनट के अंदर खून पतला करने का इंजेक्शन दे के उसकी जान बचाई जा सकती है। अगर पेशेंट को 2 घंटे की दूरी पे या 90 मिनट की दूरी पे अगर कोई हॉस्पिटल ऐसा है जिसमें कैथ लैब हो, जिसमें एंजियोग्राफी की सुविधा हो, तो पेशेंट को तुरंत वहाँ पहुँचना चाहिए और एंजियोग्राफी करवानी चाहिए। एंजियोग्राफी एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिससे हम हार्ट अटैक के पेशेंट का आगे ट्रीटमेंट क्या होगा ये डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि एंजियोग्राफी के बाद ही पेशेंट डिवाइड हो जाता है कि हमें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी या हमें एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ेगी जिसको स्टंट डालना बोलते हैं, या पेशेंट को बहुत ज़्यादा बीमारी है जिसकी तीनों आर्टरियाँ बंद हैं, शुगर है, हार्ट का फंक्शन भी डाउन है, ऐसे पेशेंट को फिर हम बाईपास के लिए भी प्लान कर सकते हैं। हार्ट अटैक के पेशेंट में स्टंट डालने की फैसिलिटीज़ यहाँ सद्भावना हॉस्पिटल में है। हम यहाँ पे हार्ट अटैक के पेशेंट को स्टंट डालते हैं, हार्ट ब्लॉक होता है तो हम पेसमेकर भी डालते हैं, अगर ट्रिपल वेसल डिजीज़ होती है तो हम बाईपास के लिए उसका अरेंजमेंट कराते हैं। हार्ट अटैक के पेशेंट को यूजुअली ट्रीटमेंट होने के बाद में 2 से 3 दिन तक ICU में रखा जाता है, क्योंकि खून पतला करने की दवाइयाँ, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक, ये सारी चीज़ें प्लस मॉनिटरिंग, वाइटल सब चीज़ें और कुछ ब्लड के टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके बाद पेशेंट को हम लोग डिस्चार्ज करते हैं। डिस्चार्ज के बाद में पेशेंट को जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं, पेशेंट को दवाई अपने आप नहीं छोड़नी होती, डॉक्टर के कहने पे ही 1-2 दवाइयाँ कम करी जाती हैं, नेक्स्ट विजिट पे ऐसे इको करके, ECG करके, पूरा असेसमेंट करके फिर ही दवाइयाँ कम थोड़ी बहुत करी जाती हैं। अदरवाइज़ हार्ट अटैक के बाद जो खून पतला करने की दवाइयाँ होती हैं वो लगभग 1 साल तक बिना किसी रुकावट के लेनी चाहिए। हार्ट अटैक के बाद में जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है
तो इनिशियल 5-7 दिन के लिए हम उनको रेस्ट के लिए ही बोलते हैं, ना ज़्यादा काम हो, ना ज़्यादा वज़न उठाया जाए, ना ज़्यादा स्ट्रेस लिया जाए, दवाइयाँ टाइम से ली जाएँ और इधर उधर का विजिट भी अवॉइड करना चाहिए। लो लेवल ऑफ एक्सरसाइज, इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटी पेशेंट कर सकता है और लगभग 10-15 दिन के बाद में 2-4 किलोमीटर बाहर घूमना या फिर थोड़ी बहुत सैर करना या तेज़ चलना, इस तरह के काम भी फिर बाद में पेशेंट कर सकता है। अगर उनको जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं जैसे डायबिटिक, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, मोटापा, स्ट्रेस, इस तरह की चीज़ें अगर पेशेंट में ऑलरेडी हैं तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। जैसे शुगर है तो शुगर की दवाइयों के साथ में उसका कंट्रोल होना चाहिए। अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग उसको बंद करनी चाहिए। अगर किसी तरह का स्ट्रेस है तो स्ट्रेस रिलीव करने के लिए या दवाइयाँ ली जाएँ या फिर घर के इन्वायरमेंट को सुधारा जाए। और अगर वर्क स्ट्रेस है तो फिर वर्क पे थोड़ा सा रेस्ट हम रिकमेंड करते हैं। खाने में ज़्यादा फैटी डाइट वगैरह यूज़ की जाती है या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। हल्का खाना, प्रोटीन डाइट, 2-4 बादाम, ड्राई फ्रूट्स, ये चीज़ें हार्ट के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, इन चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं।